स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। आंसर डी बिहार। एक्सप्लेनेशन: भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके 175 साइट्स के साथ टॉप पर है। अगला प्रश्न: नेपाल के किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ए अरुण नदी, बी त्रिशूली नदी, सी कोसी नदी, डी गंडकी नदी। आंसर ए अरुण नदी। एक्सप्लेनेशन: नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के संखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडवेस टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SAPDC द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अरुण नदी बेसिन में सतत जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए जोस बटलर, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी बाबर आजम। आंसर डी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। शाहिद अफरीदी ने 476 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया है? ए 16वीं संस्करण, बी 17वीं संस्करण, सी 18वीं संस्करण, डी 19वीं संस्करण। आंसर डी 17वीं संस्करण। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं राष्ट्रपति ने PM और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया है। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न: नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से खास मेहमान भाग लेंगे? ए शेख हसीना, बी रानिल विक्रम सिंघे, सी पुष्प कमल दहल, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन: नरेंद्र मोदी अपना तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 रविवार को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सहित विश्व के कई नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं।